हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बलराम दास और आप लोग देख रहे हैं रामले फ्रेंड्स। तो आज एक नया वीडियो लेके हाजिर हूँ जो कि इन्वर्टर के बारे में, सुकाम इन्वर्टर है जो पहले वाला मॉडल है, ये देख सकते हैं। तो इस पे जो एक किट इंस्टॉल किया था उन लोगों ने, जो इसमें पीवीसी किट इंस्टॉल किया हुआ था, जो पुराना वाला ओरिजिनल वाला सर्किट को हटा के इस किट को इंस्टॉल किया था उन्होंने। तो यहाँ पर मॉस्फेट सारा जल गया, वो इसको कभी बार रिपेयरिंग भी कर चुका है। तो हम इस किट को हटा के थोड़ा सा हाई क्वालिटी का सर्किट लगाना चाहते हैं। ये सुकाम का है, ठीक है। तो ये सर्किट मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। तो इसको आप आसान तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं इसमें, और इसका क्वालिटी भी बेस्ट है मार्केट में आने वाला, ठीक है। तो इसका प्राइस के बारे में अगर बात करते हैं तो लगभग आपको ये मार्केट प्राइस है 1500 के आसपास मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें जो किट रहता है ये वाला है, इसका कवर, ठीक है, विप्टन नाम से आता है ये। तो इसमें क्या क्या चीज़ आता है, इसके साथ में केबल लग रहा है, कनेक्टर लग रहा है, और इसमें कुछ खास ऐसी चीज़ नहीं आता है, जो कि या का सॉकेट वगैरह का वायर वगैरह कंप्लीट इसमें दिया जाता है, ठीक है। तो इसके साथ में एक कैटलॉग भी दिया जाता है, आप किस तरह से इसको फिट करेंगे और कौन सा सॉकेट क्या है उसके लिए यहाँ पर आपको दिया गया है कैटलॉग डायग्राम, ठीक है। तो आप इसको फिट करने के लिए ये तो होगी आपका एलईडी का सॉकेट, ठीक है, एलईडी जैसे आपका डिस्प्ले का, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑन ऑफ स्विच का, जो ये पर भी लिखा हुआ है देख सकते हो ऑन ऑफ स्विच, ये पंखा का हो गया। ये आपका बैटरी पॉजिटिव है यहाँ पर। तो अगर यहाँ का कनेक्शन के बारे में बात करते हैं तो ये हो गया हमारा चार्जिंग लूप्स का पॉइंट 260, ये निगेटिव हो गया ये वाला, ठीक है। और ये एक साथ में अटैच होता है, ठीक है। तो अगर कैटलॉग देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इंस्टॉल करेंगे और इसको वायरिंग भी कंप्लीट मुझे एक्स्ट्रा से करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पहले से वायरिंग सही था, सुकाम का था। तो इसमें से मार्केट वाला बोर्ड जो 500 का है उसको इंस्टॉल करने के बाद इसने वायरिंग को चेंज किया गया है। तो अब उसी वायरिंग को मुझे भी चेंज करना पड़ेगा, दूसरा लूप, ठीक है, यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको इंस्टॉल करते हैं हम, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, तो इसका जो ये पिन है तो इसको हमने काट लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जितने भी तार हैं हम इसको लगा लेते हैं, मुझे 5 तारों की ज़रूरत होगी तो हम 5 तार इसमें से इस पिन को लगा लेते हैं, ठीक है। लगाने के बाद हम यहाँ का सॉकेट जो है इस पे लगवाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम भी कनेक्शन बता देंगे, कावर का कौन सा कनेक्शन होता है, ठीक है। तो हम इसको पहले इस लगा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में ट्रांसफार्मर का ट्रैक कहाँ पर कौन सा ट्रैक होगा, ठीक है, और ये आउटपुट कौन सा ट्रैक में होगा सॉकेट में, तो वो भी बता देंगे, ठीक है। तो बने रहे मेरे साथ में, ठीक है, और मेरे वीडियो को शेयर और लाइक जरूर से कीजिए, शेयर तो जरूर से कीजिए दोस्तों, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को लोग जरूर से सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने इस पर कम्प्लीट अभी इसका जो वायरिंग है उसको मैंने कर लिया हूँ, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप वायरिंग, ठीक है, जो कि ये पहले वाला लूप्स है, यहाँ से दिखाता हूँ आपको इस सॉकेट से। ये पहले वाला लूप्स है जो कि निगेटिव है, जो ट्रांसफार्मर का एक होता है, एक साइड होता है डायरेक्ट एसी का एक साइड, यहाँ पर डायरेक्ट ट्रांस होता है, जो कि हमारा ये ट्रांसफार्मर से अटैच हुआ हुआ है, देख सकते हैं यहाँ से आया हुआ है, जो कि ये निगेटिव है। और ट्रांसफार्मर का जो बीच वाला है यह हो गया हमारा ब्राउन वाला, जो कि चार्जिंग लूप से, और ये साइड वाला है दूसरे साइड वाला, तो ये हो गया हमारा 260 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ का जो सॉकेट है ये हो गया हमारा इनपुट लाइन ये वाला, और ये हो गया हमारा आउट लाइन, ठीक है, जो कि हमारा आउट सॉकेट में आता है यहाँ पर बैक साइड में, ठीक है। तो यहाँ से हमारा
आउट होता है ये सॉकेट से, ठीक है। और ये हो गया हमारा फ्यूज बलूम का प्रॉब्लम, जो कि यहाँ पर हमने ये ऐसे से डायरेक्टली इनपुट से यहाँ से दे दिया जम्पर। और ये हो गया न्यूट्रल, जो कि नेगेटिव कनेक्शन यहाँ से ये वाला नीचे से अटैच हुआ है, तो हमने इस पर नहीं दिया, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया इसका वायरिंग कनेक्शन, ठीक है। उसके बाद में आपका जो कि हमारा ये बताया था हमने स्विच के कनेक्शन, जो कि हमने यहाँ पर स्विच में दे दिया हूँ। और जो इंडिकेटर कनेक्शन है, यहाँ का इंडिकेटर कनेक्शन जो यहाँ पर डिस्प्ले जो जो होता है उसको हमने कनेक्ट कर दिया हूँ यहाँ से, ठीक है। तो अभी इसमें हम मेनली इन्वर्टर ऑन करके देखते हैं एक बार, यहाँ से बैटरी टेस्ट कराता हूँ। तो देख सकते हैं इन्वर्टर इंडिकेटर ऑन दिखाया है, देख सकते हैं। तो अब हम इसको यहाँ से अटैच कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो हमने इसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया हूँ, तो अभी मैं इसको एसी देता हूँ, तो एसी दे दिया हूँ। अब यहाँ पर देखते हैं मेन से आता है कि नहीं आता है, देख सकते हैं मेन से आ चुके हैं, ठीक है। तो ये चार्जिंग का लूप्स भी दिखाने लग गया है, जो कि वायरिंग के हिसाब से यहाँ पर दिखाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया। तो हमने सिर्फ ट्रांसफार्मर का जो दो वायर है ये वाला डीसी का, तो उसको हमने लगाया नहीं, उसको अभी हम यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम इसका आउटपुट भी चेक कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी फिलहाल फाइनली हम इसको आउटपुट दे चुके हैं, देख सकते हैं ये अब लगा चुका हूँ। अब ये स्विच दे देते हैं, तो ये बल्ब हमारा तो पीछे से लगा हुआ है, स्विच देते ही ये बल्ब चल गया, ठीक है। तो अभी इसका चार्जिंग का लूप्स भी हम देख लेते हैं। तो ये हो गया, एसी पे दिया हूँ। अब ये देख सकते एसी पे आ चुके हैं, ये चार्जिंग भी हो रहे हैं, ठीक है। और जो ये आवाज कर रहा है, ये चार्जिंग का आवाज है, मतलब हम यहाँ पर एमसी भी लगा हुआ है, देख सकते हैं। इस एमसी जिसे हमारा बैटरी कनेक्ट पर बैटरी पे आ रहा है वायर, तो यहाँ से हमारा जो एम्पियर आता है इन्वर्टर का चार्जिंग का, तो ये इसके थ्रू ही हमारा बैटरी पे जाता है। तो इसीलिए हमारा ये चार्जिंग देते समय ये साउंड करता है, अगर चार्जिंग नहीं आएगा तो हमारा ये साउंड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस खुद से बनाया गया है, ठीक है। तो हम इसको ऑफ करते हैं बैटरी मोड, अभी बैटरी में आ गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर से कीजिए, साथ में सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ठीक है।